हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉड्यूल, कैलकुलेटर एंड कमेंट्स क्या होते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। आपने आई थिंक चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मजा आ रहा है सीरीज में। ओके, तो इस वीडियो में चलते हैं और शुरू करते हैं वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स की हम बात करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रूल्स की, कुछ रूल्स भी होते हैं इनके इनको लिखने के लिए। ठीक है, एंड देन ऑपरेटर्स की बात करेंगे, एंड देन टाइप कास्टिंग, टाइप फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर रहने वाले हैं, जो जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इनपुट फंक्शन भी देखेंगे, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है इनपुट फंक्शन, आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने फोल्डर को ओपन कर लूंगा, जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है चैप्टर 2 के नोट्स का। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपली अपन को पता ही क्या करना है, शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, ओपन विद कोड करेंगे, एंड हम आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम सिंपली एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि रहने वाली है मेरी चैप्टर 2 के नाम से। तो मैं इसको चैप्टर 2 के नाम से सेव करना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को देने में मुझे ईजी हो जाए। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको मैं करूंगा यहां से न्यू फाइल, और इसका नाम डाल देंगे chapter2.py। ओके, सो ये मेरी फाइल खुल चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। अब चलते हैं अपने नोट्स पर और देखते हैं कि हमें क्या करना है शुरू। ओके, शुरू हमें करना है वेरिएबल से। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं कि वेरिएबल इज लाइक अ किचन कंटेनर। किचन कंटेनर का मतलब होता है कि सपोज आप किचन में अपने जाओगे, आपको दिखेगा कि आपकी मम्मी ने दाल के लिए अलग कंटेनर बना रखा है, जिसमें आपकी दाल रखी हुई है। ठीक है, और किसी में चावल रखे होंगे, किसी में नमक रखा होगा, किसी में चीनी रखी होगी, है ना। तो वो सारे कंटेनर्स हैं, मतलब कि उन्होंने एक डब्बा बनाया है, उसके अंदर ही वो चीनी रखती है। ठीक है, तो आपसे कोई बोलेगा चीनी ले आओ, तो आपने घर से तो आप डब्बा ले जाओगे ना, कि डब्बा ये रहा, इस डब्बे की बात हो रही है इसका मतलब। तो बेसिकली वही यहाँ पे आता है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स की बात करें तो बहुत ही खतरनाक सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अ वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, वो डब्बा जिसमें चीनी रखी है। ठीक है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया है कि चीनी वाला डब्बा। मम्मी कहेंगे ना चीनी वाला डब्बा ले आओ, तो आप ले आओगे। अब जैसे कि मैं यहां बोलूं ए के अंदर 13, अब बोलूं ए को ले आओ, तो आप 30 को ले आओगे ना, ऑब्वियसली। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां लिखता हूं ए इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां मैं ले लेता हूं क्लाउड, ठीक, ऐसे ले लिया मैंने। बी इज इक्वल टू 551 ले लिया मैंने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, सी इज इक्वल टू 19.35, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली ये हमने तीन टाइप के वेरिएबल्स दिए हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं बेसिकली, ये ए बी और सी, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये वेरिएबल है बस, ए जो लिखा हुआ है, ये जो बी लिखा हुआ है ये वेरिएबल है। इस पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये पूरा वेरिएबल है। ठीक है, ये पूरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, और ये सी वेरिएबल्स है। हम जब मैं आप बात करूँ ना वेरिएबल्स की, तो जो ये ए बी और सी है ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर स्टोर की गई है वैल्यूज, इन आ वैल्यूज ही काउंट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ए लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्लाउड। ठीक है, तो इसने ये जो है वो एज ए इंटीजर लिया हुआ, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग लिया हुआ, सॉरी। अब स्ट्रिंग को हम ऐसे ले सकते हैं, दो तरीके हमारे स्ट्रिंग के, एक हो गया सिंगल के अंदर, ठीक है, या फिर अगर मैं सेम चीज, देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको ना एक बार प्रिंट कर दिया हूं आपको। ठीक है, मैं करता हूं प्रिंट ए, यहां कर देंगे बी, यहां कर देंगे सी। आप सोचोगे मैंने इतना जल्दी कैसे कॉपी कर लिया, है ना, तो आप सिंपली किसी भी लाइन पे ले जाना। ठीक है, एंड कंट्रोल डी टाइप करोगे तो वो डुप्लीकेट कर देगा उस लाइन को। ठीक है, अगर मैं सेम ऐसे करके डी करूंगा तो 3 लाइन, 2 लाइनें मेरी जो है डुप्लीकेट कर देगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया होगा शॉर्टकट, ये भी मैंने बस बता दिया कि आपको पता होना चाहिए जब आप यूज करते हो तो। ठीक है, अब अगर मैं करता हूं प्रिंट ए बी और सी, आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? यस एग्जैक्टली, प्रिंट हमारा होगा क्लाउड 551 और 19.5, राइट। आपको ये चीजों से दिखेंगी, क्लाउड 551 और 19.5, ये तीन चीजें कर दी। अगर मैं यहां लिखता हूं लाइक दिस ऐसे, अब क्या करेगा ये, अगेन उसने वही चीज ले ली फिर से, क्लाउड 551 और 9.5, है ना। मतलब अगर मैंने उसको सिंगल
ऐसे रखा था जब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो भी उसने वेरिएबल ने इसको एज ए स्ट्रिंग काउंट किया, ठीक। अगर मैंने डबल पे रखा है तो भी स्ट्रिंग काउंट किया, अगर मैं सिर्फ सिंगल पे रखता हूं तो क्या काउंट करेगा ये, चलिए देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं सिंपली कहता हूं रन सीरीज, अगेन इसने क्लाउड को क्लाउड ही काउंट किया है, ठीक है। मतलब कि आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको स्ट्रिंग मतलब सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, या डबल में, या फिर ट्रिपल में मेंशन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, कोई टेंशन की चीज ही नहीं है। ओके, सो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं कि मैंने ये वेरिएबल्स लिखे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाँ आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स का नाम है वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स होते क्या है, कीवर्ड्स बेसिकली कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन ने अपने लिए रिजर्व करके रखे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, हम चलते हैं गूगल पर, ठीक है, और यहां जाने के बाद मैं आपके लिए लिख देता हूं, सपोज जैसे रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन, ठीक है। तो ये है कुछ, आप नॉर्मल जगह से भी खोल सकते थे, आप अपनी python.org से भी ओपन कर सकते थे, ज्यादा आपको बेटर आइडिया मिलता। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये पाइथन के अपने रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब जहां पे मैंने ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये ए, यहाँ पे मैं क्लास नहीं यूज कर सकता। देखो तुरंत दे दिया भैया, क्लास नहीं यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो क्लास है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है वो ये देखो रिजर्व कीवर्ड का वर्ड है, ठीक है। तो आप क्लास नहीं यूज कर सकते, आप डेफ नहीं यूज कर सकते, फाइनली एज नहीं यूज कर सकते, रिटर्न नहीं यूज कर सकते, आप इन कीवर्ड्स को नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप वो यूज नहीं करते। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, एक तरीके से मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लास है, फंक्शन है, वेरिएबल नेम है। इसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो मतलब ये वाला टॉपिक जो है वो अभी फिलहाल हम डेटा टाइप्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात करते हैं, तो डेटा टाइप्स की बात करो तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि डेटा टाइप्स, राइट, मतलब कि टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम टाइप ऑफ डेटा की बात करेंगे, तो यहाँ बेसिकली कई टाइप का डेटा होता है, इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, स्ट्रिंग्स होती है, बूलियंस होती है और नन होती है, ठीक है। अगर आपको इस समझ में आया होगा, मैंने नीचे देखा हूँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो मैं बात करता हूँ, चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताऊं, इसको हम वापस कर लेते हैं, ए कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तीनों के क्या टाइप्स हैं, इसको आप कैसे बताओगे, यार चेक करके बता देंगे। देखो अभी चेक करने के बहाने हम तीनों का टाइप चेक कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं यहां मेंशन करूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैंने देखा प्रिंट कर दो टाइप ए, मतलब ए का टाइप प्रिंट करो, यहां पे ए नहीं प्रिंट करना है, ए का टाइप, कि क्या टाइप है ए का, ठीक है। और मैंने यहां लिखा है प्रिंट बी, यानी टाइप प्रिंट कर दो बी का, प्रिंट कर दो टाइप सी का, ऐसे, ठीक है। मतलब मैंने कहा था ना आपको इसको इंग्लिश की तरह हम पढ़ सकते हैं कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, टाइप किसका, ए का, बी का और सी का। अगर मैं रन करता हूं इसको, एंड आप देखोगे यहां पर लिखा क्या है, क्लास स्ट्रिंग, क्लास इंटीजर एंड क्लास फ्लोट। मतलब क्या, मतलब कि जो मैं ए के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू मैंने भरी है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एक इंटीजर है और ये एक फ्लोटिंग नंबर है, मतलब जो पॉइंट्स में होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूंगा तो भी उसको स्ट्रिंग कह देगा, सॉरी इंटीजर कह देगा, देखो इंटीजर कह दिया ना इसने, दोनों इंटीजर हो गए। अगर मैं यहाँ कर दूंगा लाइक ऐसे, तो इसको एज ए स्ट्रिंग, ओके, तो ये कह रहा है इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई आपने क्या लिख दिया, ये कुछ नॉट डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज में काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि इसके कॉमा लगे नहीं है। अगर मैंने फिलहाल कॉमा लगा दू, चलो एक बार की आपकी बात मान के मैंने लगा दिया कॉमा, ठीक है। अब क्या कहेगा ये, अब इसने कह दिया कि भाई ये भी स्ट्रिंग है, फर्स्ट वाला भी स्ट्रिंग था, बीच वाला इंटीजर है ना। इसने कह दिया ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, बीच वाला इंटीजर है, ठीक है। यहां तक हो गया। अगर मैं यहां कह दूं 5 8, मैंने सिर्फ नंबर और लेटर्स इंक्लूड कर दिए इसमें, अल्फाबेट इंक्लूड कर दिए, अब कहूंगा तो अभी क्या कहेगा, इसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, क्यों। अब आप बोलोगे भाई यहां भी तो नंबर था, यहां भी नंबर आ गया, तो अब क्या भाई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कहा ना सिंगल डबल या ट्रिपल जो भी लगे होंगे वो इसको एज अ स्ट्रिंग ही काउंट करेगा, चाहे तुम वहां कुछ भी लिख दो। अगर मैं वहां पे A23FR लिख दो तो ये नहीं कि ये स्ट्रिंग होगा या इंटीजर,
ये इसको स्ट्रिंग ही काउंट करेगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। समझ गए आप? समझ गए ना भाई? समझ गए होगा आई थिंक। ठीक है, मैंने आपको फ्लोटिंग नंबर बता दिए। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 0.2052 और मैं करूंगा इसको एंटर, तो ये उसको यहाँ फ्लोट दे देगा। ठीक है, पॉइंट का नंबर है मतलब फ्लोटिंग नंबर है। ठीक है, ये हो गया फ्लोटिंग नंबर्स, स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं बुलियंस क्या होते हैं। बुलियंस बेसिकली अगर मैं यहाँ करूं डी और डी को कर दू इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और इसको करता हूँ डुप्लीकेट और यहां कर देते हैं डी। ठीक है, अब मैं यहां करता हूं रन। अब देखो यहाँ का क्लास बूल है ना, क्लास बूल मतलब ये इंटीजर और स्ट्रिंग और फ्लोट में नहीं आ रहा है, ये बूलियन में आ रहा है। बूलियन क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर कोई हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, और हम जब यूज करेंगे कि यार अगर 2 + 2 = 4 आ रहा है तो आप रिटर्न करना ट्रू, ठीक है, तो वो मतलब बूलियन रिटर्न करेगा, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब वो बूलियन कैटेगरी पे चल रहा है। ठीक है, सो मतलब ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती है तो वहां पे बूलियन काउंट होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा कि आपको वहां पे कोई वैल्यू नहीं देनी है, मतलब आपको बताना है कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है, आंसर कुछ नहीं है, अगर अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ मत देना, तो वहां पे वो नन लिखता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके यहाँ ई कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा इसकी वैल्यू नन। ठीक है, देखना अभी, गो गो अगॉन, दिस इज नन टाइप, है ना, ये स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, ये भी स्ट्रिंग है, इसको मैं इंटीजर कर लेता हूं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं इंटीजर 420, ये हो जाएगा इंटीजर। देखो सारे टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग आ गया, फ्लोट आ गया, इंटीजर आ गया, बूलियन आ गया, नन टाइप आ गया। ठीक है, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझे मत करना मैसेज कि इसको बड़ा करो, यार ये टर्मिनल है, इसको मैं कैसे बड़ा कर दूँ। ठीक है, सो ये यहां तक इतना आपको आई गेस क्लियर हुआ होगा कि जब हमें कोई वैल्यू नहीं देनी होती है तो वहां पे नन वैल्यू आ जाती है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं, पाइथन जो है ना वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है ना, जब मैं ए इज इक्वल टू मैंने 71 अगर लिखा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 420, तो इसने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये क्लास इंटीजर है ना, यही बोल रहा है ना वो, देखो इसने ऐसे इंटीजर ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे जब लिखा था बी इज इक्वल टू 551, तो इसने खुद ही कह दिया कि भैया ये क्लास फ्लोट है, फ्लोट क्लास के अंदर आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था क्लाउड, ठीक है, या मैंने यहाँ क्लाउड लिखा है देखो, तो इसने खुद ही कह दिया कि भैया ये ऐसा स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये खुद से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है, सबसे बढ़िया चीज है इसकी। ठीक है, और हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम। ठीक है, और यही सेम जो सेम रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं आइडेंटिफायर्स में भी। ठीक है, तो आइडेंटिफायर मैंने आपको बोला ही था, जब हम क्लास फंक्शन या वेरिएबल नेम लेंगे तो भी वहां पे जो रूल्स हैं, जब हम कोई क्लास बनाएंगे ना तो फ्यूचर में बनाएंगे, हम क्लास पढ़ेंगे, फंक्शन सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अपन वेरिएबल नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नेम की जो बात कर रहे हैं वही सेम चीज आइडेंटिफायर्स के अंदर भी यूज होती है, वही सेम रूल्स। ठीक है, तो रूल क्या होता है, अब वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर, मतलब कि जो वेरिएबल नेम है जो कि ये ए है, ये अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर ही हो सकता है। ठीक है, मतलब या तो अल्फाबेट हो सकता है, या तो डिजिट हो सकता है, या तो अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है ये, ऐसे मतलब 5 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई ये 5, मतलब डिजिट हो सकता है, बट इसका भी रूल है, रूल आके समझाता हूं आपको। वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद एन अल्फाबेट या अंडरस्कोर, मतलब अगर आपको लिखना है कि 420, तो आपको किसी अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ही आप इसको लिख पाओगे, 420 यूज कर पाओगे। ठीक है, अगर आप 420 हो गए तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा कि भैया क्या कर दियो, ये नहीं, हम नंबर नहीं मांगते हैं। ठीक है, किसी का नाम आप लोग जैसे मोबाइल में नंबर सेव करते लिखते हो ना, कि सपोज के दोस्त का नाम है रिंकू, अब रिंकू के 3 नंबर, आप लिखो रिंकू 1, रिंकू 2, रिंकू 3, या 2 रिंकू लिखते हो क्या, मतलब लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते, पर आप नहीं लिखते हो क्योंकि वो ऐसा रूल मतलब बना हुआ है कि रिंकू का 2nd नंबर, रिंकू का 3rd नंबर। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें पहला अल्फाबेट देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप उसे कुछ भी डाल सकते हो, लाइक 420 डाल लो, 51 डाल लो, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर डाल लो। ठीक है, ऐसे आप ये चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक, आइए, यहां तक आपको समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, तो मैंने आपको बता दिया है कि वो डिजिट से नहीं शुरू हो सकता है, मतलब A4 हो सकता है, ठीक है, बट 4A नहीं हो सकता है। ठीक है, नंबर से नहीं शुरू हो सकता है, तो वो यही कह रहा था। अ नो वाइट स्पेस इज अलाउड टू बी यूज्ड इनसाइड अ वेरिएबल नेम,
मतलब अगर आपको लिखना है, सपोज करो यहां लिखना है क्लाउड टेक, ठीक है, तो मैं क्लाउड टेक लिख सकता हूं या अंडरस्कोर यूज कर सकता हूं, बट मैं स्पेस यूज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे देखो तो स्पेस दे दिया, तो मैं स्पेस नहीं यूज कर सकता हूं, वहां पे अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है, डॉट भी नहीं हो सकता, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर जीरो सकता हूं, या कोई वैल्यू पुट कर सकता हूं, या डिजिट पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, बट हम लोग ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते बीच में। बीच में स्पेस जो होता है ना, सिंपल ये वाला स्पेस, हम ये स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यही रूल कह रहा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कुछ वेरिएबल्स नेम्स के, मैंने लिख दिया जैसे प्रशांत हो गया, 1 8 हो गया, बट 8 1 नहीं लिखा हुआ है, 7 ऐसे लिख सकते हो, बट नॉर्मल 7 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आप अंडरस्कोर 7 लिख सकते हो, लाइक इसी टाइप की चीज है, ठीक है। आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा, हमने काफी डिटेल में बात करी है इन टॉपिक्स की। वेरिएबल्स हमने पढ़े, हमने डेटा टाइप्स पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े, और हमने ये भी पढ़ा कि हम कि जो पाइथन है वो इनको जो है बाई डिफॉल्ट समझ लेता है ना। अगर नहीं समझेगा तो कह देगा भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, लो एरर, समझो, ठीक है, खुद समझो तुम, मैंने तुम्हें एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। तो आइए चैट वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये वीडियो आपको समझ में आई है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट है। जैसे जीरो से हीरो आपको बनना है, अगर पाइथन में आपको जीरो से हीरो बनना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको ये प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस करनी चाहिए, ठीक है, और आपको मजा आ जाएगा इस प्लेलिस्ट में। आप करते करते आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपको खुद को बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, और जिसने नहीं एक्सेस किया है, एंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे प्यारा सा कमेंट छोड़ दो कि भाई मजा आ रहा है सीरीज में, ठीक है। एंड ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।